चाय पहले से भून के रखे हैं तो एक ही बार में डाल सकते हैं वो ठंडा हो तो। और ये देखिए ये तेल डाल रही हूँ, इसमें रिफाइंड और सेंधा नमक वाला बनेगा आज, क्योंकि आज सरसों तेल भी नहीं यूज होगा और इसीलिए रिफाइंड में मैं जो है सब्जी बना रही हूँ। और मेरे ऐसे ही टाइप के ब्लॉग अक्सर जाते हैं क्योंकि किचन से ही रिलेटेड मैं बनाती हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो ऐसे घूम घूम के पूरे घर में मैं ब्लॉग तो नहीं शूट करती हूँ, तो जो मेरे रूम में का है थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, किचन में का है वो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करती हूँ, वही मैं ब्लॉग के थ्रू आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर कहीं जाती हूँ बाहर तो फिर मैं पूरा रिकॉर्डिंग करती हूँ। और ये देखिए ये फ़ोरन में जो है मैं हींग डाली हूँ, पंचफोरन डाली हूँ और अदरक और मिर्चा डाली हूँ। अगर ऐसे नॉर्मल सब्जी बनाते तो लहसुन भी इसमें ऐड करते। और आलू टमाटर और सोयाबीन की मैं सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे तो आलू टमाटर की बना सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इतना मुझे भी पर्सनली इतना नहीं अच्छा लगता है, इसलिए इसमें सोयाबीन थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी। तो सोयाबीन को थोड़ा सा गुनगुना पानी में मैं बॉयल कर ली थी। और ये देखिए आलू और ये सोयाबीन जो देखिए अभी इसको इसका पानी जो है निचोड़ के और फिर मैं इसमें मिला दूँगी और सब कुछ साथ में भून के, और हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, नमक, तो नमक जो है वो सेम। और ये सारी सब्जी डालने के बाद भून करके मसाले जो मैं बताई हूँ, गरम मसाला भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ भूनने के बाद और पानी अपने हिसाब से डालें, थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि ये सोयाबीन है तो सोयाबीन जो है थोड़ा सा पानी जो है वो सोखता है इसलिए। और ये देखिए सब कुछ पड़ गया है इसमें, अब बस इसको भूनना है और भून करके और फिर पानी जो है अपने हिसाब से डाल देंगे, जैसा कि अपने हिसाब से क्या सोयाबीन के हिसाब से भी डालें। और देखिए ये भुन चुका है, अब मैं पानी इसमें ऐड करूँगी और एक चीज़ इसमें डालूँगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, वो इसलिए डालना रहता है क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। कितना भी आप कुछ भी इसमें डालें, कितना भी आलू को हम लोग मसलें लेकिन ना वो गाढ़ापन नहीं आता है, थोड़ा सा आधा चम्मच ही डालती हूँ। मेरा तो वैसे भी सब्ज़ी की क्वांटिटी भी है कम है, तो अगर आपका जैसा सब्ज़ी का क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप थोड़ा सा उसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अगर नहीं किसी को पसंद हो तो वो स्किप भी कर सकते हैं, मुझे ठीक लगता है इसलिए मैं डाल देती हूँ। इसलिए रहे हैं और आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक और जो कमेंट है वो जरूर करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है, तो बस आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि अब मुझे जो है व्यूज़ का ज़रूरत है, क्योंकि मेरे डॉलर तभी बनेंगे जब आप लोग पूरा मेरा ब्लॉग जो है वो देखेंगे। तो प्लीज़ मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा और स्किप ना करें, कम से कम 8 या 9 मिनट तो ज़रूर देखिए। और मेरे वैसे भी जनरली जो है वीडियो बहुत छोटे होते हैं, 10 या 12 मिनट के ही होते हैं, कभी कभार ही होते हैं कि 15 या 20 मिनट के होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो आप लोग नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखें पूरा और स्किप ना करें। और हाँ, बैकग्राउंड से जो है थोड़ा सा आवाज़ आएगा क्योंकि कुछ थोड़े से मतलब मिस्त्री लोग का काम चल रहा है तो इसलिए ये आवाज़ आते रहेंगे, तो मैं कितना देर नहीं स्किप कर सकती कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ। वैसे ही मेरा जो वीडियो है वो लेट जा रहा है तो इसलिए मुझे आज कैसे भी करना ही था और आप लोग के तक ये वीडियो जो है वो पहुँचाना ही था, क्योंकि 4 या 5 दिन पे मैं अपना ब्लॉग जो है अपलोड करती हूँ। अगर मैं ये कल से ही काम लग गया है और कल और आज में मुझे ये वीडियो अपलोड करके आप लोग तक मतलब भेजना ही था, मगर अब मैं नहीं कल कर पाई तो आज ही सही। और ये आवाज़ तो आता रहेगा, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा।
और ये जो है ब्लॉग में बता चुकी हूँ जैसा कि अनंत के दिन का है, और अनंत के सेकेंड डे से जो होता है ना अक्सर वो पितृपक्ष का जो है शुरुआत हो जाता है। तो पितृपक्ष में मतलब कहते हैं कि जो हमारे पितृ हैं, जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, जो हमारे दादा परदादा या जो भी हैं, तो वो ये 15 दिन जो है हमारे आसपास ही होते हैं, वो देखते हैं, वो जो हम उनको पानी देते हैं वो उनको मिलता है, ऐसा कहा जाता है हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये मतलब मान्यता है। और पितृपक्ष मतलब पितृपक्ष में ही जैसे कि अनंत के 9वें दिन जो है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है जो बच्चों के लिए हर माँ रखती है, वो है ज्योतिया। तो जो ज्योतिया है उसको भी हम पहन सकते हैं, मतलब अनंत के दिन पहने या उसके एक दिन बाद पहने। तो वो जैसा कि मैं अभी पहनी हूँ, लेकिन अभी मैं इसका रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, तो वो ज्योतिया का भी ब्लॉग आएगा आप लोग को। तो मैं कभी नहीं बोली और आगे भी शायद नहीं बोलूँगी, और ऐसा नहीं है कि मैं हरिश्चंद्र हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, बोलती हूँ, छोटे मोटे झूठ मैं भी बोल लेती हूँ, लेकिन किसी को उससे बहुत नुकसान हो जाए ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अपने ब्लॉग में कभी झूठ कोई चीज़ मैं नहीं बोली हूँ, तो इसलिए मैं ये कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं कभी कोई मुझे कुछ देता भी है तो मैं अगर उसका ब्लॉग बनाती हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो वो मैं बता देती हूँ कि मैं नहीं बनाई हूँ, मेरी जिठानी बनाई है। मैं ऐसा कभी अपने लिए क्रेडिट नहीं लेती हूँ, और मेरे किचन में जो भी है जैसा भी है सब मैं एकदम रियल आपको दिखाती हूँ। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, सेटअप नहीं तैयार करती हूँ कि ये ऐसा गंदा लग रहा है तो ये हटा दूँ, ये साफ़ कर दूँ, या फिर सब्जी का है पहले ये हटा दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा होता है, जैसे आप नॉर्मली अपने किचन में काम करते हैं मैं भी करती हूँ, और फिर वैसा ही मैं शेयर करती हूँ। तो जैसा कि देखें आप लोग कि